है और ट्यूजडे के दिन यहाँ पर एक मार्केट लगता है, भूगोल मार्केट। आज डे 3 है गाइस, दिल्ली में हमारा, और आज के नज़ारे कुछ ऐसे होने वाले हैं। फिलहाल मैं हूँ अभी रिक्शा में और दिल्ली में मैं घूम रहा हूँ रिक्शा में अभी। तो आज मैंने सोचा, आज का दिन ट्यूसडे है और ट्यूसडे के दिन यहाँ पर एक मार्केट लगता है, भूगोल मार्केट निज़ामुद्दीन के आसपास लगता है। सोचा वो आज ब्लॉग में शो करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं आसपास काफ़ी अच्छा मार्केट चल रहा है यार, दिल्ली में बहुत क्राउड है यार, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, बट ठीक है, आए हैं तो आप लोगों के लिए एक ब्लॉग जरूर शूट करूँगा मैं। और भूगोल मार्केट है जिसका नाम है, जो कि ट्यूसडे को लगता है यहाँ। तो जब भी कोई आए भाई मेरा चैनल देख करके, तो ट्यूसडे को आए और निज़ामुद्दीन कॉलोनी से आसपास लोकेशन मिलती है तो वो मैं आपको इस ब्लॉग में गाइड करता हुआ चलूँगा कि मार्केट में और क्या क्या मिलने वाला है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है ब्लॉग, मेरे साथ एंड तक बने रहें। भूगोल मार्केट डे 3 इन दिल्ली, अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो यहाँ से हम जाएंगे भूगोल मार्केट। अभी हम जस्ट निज़ामुद्दीन स्टेशन से बाहर निकले हैं और ये चौराहे से हम सीधे रूट पकड़ेंगे भूगोल मार्केट के लिए। तो फाइनली गाइस हम पहुँच गए हैं भूगोल मार्केट। ये आप देख रहे हैं आसपास का एरिया भूगोल मार्केट है, और ये अपने भाईजान और पीछे सतीश भाई के साथ पूरा मार्केट आज एक्सप्लोर करेंगे। तो जैसे ही गाइस थोड़ा सा हम जाते हैं भूगोल मार्केट के अंदर, तो हमें रोड साइड कुछ फ्रूट्स की और कपड़ों की शॉप्स मिलती हैं, जो कि रोड साइड आपको मिलेंगे। काफ़ी सस्ते सस्ते कपड़े यहां पर मिल रहे हैं, 100-150 रुपीज़ में। तो ये मार्केट भी बेटर मार्केट है, इससे पहले हमने और भी मार्केट एक्सप्लोर किए हैं जैसे कि सरोजनी और करोल बाग का मार्केट। और यहाँ पर हमने देखे वूलन क्लॉथ, जो कि काफ़ी सही रेट में मिल रहे थे, 200 रुपीज़ में। गाइस आप जितने कपड़े यहाँ पर छांट सकते हो वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। भूगोल मार्केट को मंगल बाज़ार के नाम से भी जाना जाता है, तो आप दिल्ली में आकर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये ट्यूसडे को लगता है मार्केट, तो इसको मंगल बाज़ार भी कह सकते हैं। तो जैसे ही हम मार्केट में और आगे बढ़ते हैं, तो हमें यहाँ पर कुछ खाने पीने की डिशेस भी दिखाई देती हैं कुछ जगहों पे। तो जैसे कि आप सुन रहे हैं, यहाँ पर जो भी 200 के हिसाब से चीज़ें बिक रही हैं, कहीं कहीं पर 150 रुपये में भी, कहीं कहीं पर 100 रुपये में भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े भी मिल जाएंगे। तो ये मंगल बाज़ार भी आप ज़रूर विज़िट करिए जब आप दिल्ली आइए। फिर हमने आगे चलकर देखा कि जो ब्रांडेड जीन्स हैं आपको यहाँ भोपाल और अदर स्टेट्स में, अदर आपको सिटीज़ में काफ़ी कॉस्टली मिलती हैं, यहाँ दिल्ली में मंगल बाज़ार में आपको वो 100-150 रुपए में वो जीन्सें प्रोवाइड हो जाती हैं, और शूज़ वगैरह भी 100-150 रुपए में बहुत अच्छे पैटर्न में मिल जाएंगे। ओरिजिनल तो नहीं रहेंगे बट कॉपी रहते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी रहती है उनकी भी। क्राउड तो भैया इतना ज़्यादा है कि क्या ही बोलें, क्योंकि ये मार्केट हफ्ते में एक दिन लगता है, ट्यूसडे के दिन मंगल बाज़ार, इसको भूगोल मार्केट भी कहते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है गाइस। तो अभी हो रहा है गाइस रात के 10 बज रहा है, और हम मार्केट को यहाँ से कंप्लीट करके एक्सप्लोर करके जो जो हमें सामान खरीदना था वो सारा हमने सामान खरीद लिया है। फाइनली गाइस हम आ गए हैं भूगोल मार्केट से बाहर और अब ले लिया है सारी चीज़ें। तो आज का ब्लॉग होता है यहीं पर कंप्लीट। हमें अभी मार्केट में, मार्केट की पूरा सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ब्लॉग में शो करूँगा। शॉपिंग खूब सारी कर ली, बैग आगे टांग लिया, चलो अब जा रहे घर। बाय बाय टाटा, नेक्स्ट ब्लॉग मिलते हैं। 4